भक्तों को मिलेगी बहुस्तरीय सुरक्षा, जम्मू पहुंचने लगी अर्धसैनिक बलों की कंपनियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन लेखनी न्यूज। उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने उत्तरी तथा दक्षिणी यात्रा रूट के बारे में विस्तार से जाना। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब 12 दिन शेष हैं। सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की कंपनियां जम्मू पहुंचने लगी हैं। इन कंपनियों को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया जाएगा। CISF, CRPF, BSF, ITBP की कुछ कंपनियां जम्मू पहुंच गई हैं, जिन्हें धीरे धीरे तैनात किया जा रहा है। यह सुरक्षा बल सिर्फ अमरनाथ यात्रा रूट और शिविरों में ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग और सीमावर्ती गाँवों में भी तैनात किए जाएंगे। इसी बीच उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की, साथ ही बीकन से यात्रा मार्ग की तैयारी की जानकारी ली। यात्रा की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा। उत्तरी कमान प्रमुख ने उच्च स्तरीय बैठक में उत्तरी तथा दक्षिणी यात्रा रूट पर सुरक्षा स्थिति व तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी हितधारकों से यात्रा की तैयारियों से जुड़ी जानकारियां हासिल की। प्रोजेक्ट बीकन के मुख्य अभियंता से यात्रा मार्ग को तैयार करने के बाबत भी जानकारी ली। उन्होंने हिदायत दी कि सभी एजेंसियां, जिला प्रशासन तथा सभी हितधारक मिलकर काम करें, जिससे यात्रा को सफल बनाया जा सके। इस बात का ख्याल रखा जाए कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना होने पाए। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाएं, हेलीपैड, आवासीय व्यवस्था, आपातकालीन स्थिति में रेस्क्यू टीमों की तैनाती पर रणनीति बनाई गई। उत्तरी कमान प्रमुख ने पंचतरणी का किया दौरा। उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को अमरनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित पंचतरणी का दौरा किया और वहां तैनात जवानों से बातचीत भी की। 200 से ज्यादा नदी नालों पर नजर। सूत्रों के अनुसार जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में बसंतर, उज्ज, तवी व चिनाब दरिया समेत करीब 200 नदी नाले सीधे पाकिस्तान जाते हैं। यहां से भी घुसपैठ की आशंका रहती है। इन जगहों को भी पुलिस, अर्धसैनिक बल, सेना और BSF के साथ मिलकर कवर कर रही है। इन इलाकों में सेना, BSF, पुलिस और CRPF की ओर से एंटी ड्रोन तंत्र भी स्थापित किया गया है, क्योंकि इन तीनों जिलों की इन नदी नालों के ऊपर से ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद पहुंचाने और हमलों के पूर्व में प्रयास हो चुके हैं। 130 से अधिक सीमावर्ती गाँव में सुरक्षा बलों की तैनाती। सूत्रों के अनुसार जम्मू, सांबा और कठुआ में 130 से अधिक सीमावर्ती गांवों के नाकों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है। ये ऐसे स्थान हैं जहां से सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ कर शहर के अंदर तक पहुंचने की आशंका है। आगामी सप्ताह तक सभी स्थानों पर तैनाती हो जाएगी। जम्मू के SSP चंदन कोहली का कहना है कि सभी खुफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।